दोस्तों पाकिस्तानी गुलाम हैदर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं हम? आज ये बहुत सारा क्वेश्चन है उन भारतीयों का जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, भारतीय कहते हैं, जो कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, हम राम को मानते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज आप सबका जवाब दूंगी, क्योंकि आप लोगों ने अपने देश की बेटियों से सवाल किया है कि आप पाकिस्तानी गुलाम हैदर को क्यों सपोर्ट करते हो, आपको क्या मिल रहा है। मतलब सीधे सीधे वार कर दिया आपने अपने हिंदू बेटियों से कि आप हैदर गुलाम हैदर के सपोर्ट में क्यों अपने भारतीयों के सपोर्ट में हो। तो एक सवाल आज मेरा आप हिंदुस्तानी भाइयों से है, जो अपनी देश की बहन बेटियों को गाली देते हो। तो मेरा आज आप हिंदुस्तानी भाइयों से सवाल है, जो आप इसका मुजरा देखते हो, इसके डांस देखते हो, ये आपको इंटरटेन करती है, तो आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब बता दीजिए। आप दो राह क्यों रखते हो? आप एक तो कहते हो हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं, अपने देश से मुल्क से प्यार करते हैं, अपने देश को की सरजमी जो है हमारा हिंदुस्तान को हमारे सराखुप है, और दूसरी तरफ आप एक सीमा हैदर जो पाकिस्तानी है, इनलीगल आई है, जिसका कोई अता पता नहीं है वो आने वाले समय में हमारे देश के साथ कौन सा गेम खेल सकती है। तो फिर उसको भाभी, सपोर्टर, बेचारी, तमाम तमाम चीजों से नवाजने का आपका मतलब क्या है? कहीं आप तो कोई आपका तो कोई ऐसा मकसद नहीं है कि कल को आने वाले समय में आप इसके साथ मिले हुए हो। तो ये जवाब है मेरा उन हिंदुस्तानी भाइयों का, जो भाई कहना भी मुझे आज शर्म आ रहा कि आपसे मैं भाई भी कहूं, क्योंकि आप का सवाल है सीमा हैदर के लिए। वो बेचारी है, वहां गई, उसे मार दिया जाएगा, तमाम तमाम चीजें जो आप उसके लिए दर्द रखे पड़े हो ना। आप अपने आप को इंडियंस कहते हो, आप कहते हो कि हम भारतीय हैं, वो सनातनी हो गई, तो शर्म आती है मुझे आपको भारतीय कहने में, शर्म आती मुझे आपको सनातनी कहने में। सनातन धर्म का मतलब आपको बिल्कुल पता नहीं, आप कट्टरपंथी हो, आपके दिमाग की मानसिकता गलत है, आप गलत सोच वाले हो, आपकी जो दिमाग में इंसानियत हो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आप केवल एक गलत उदाहरणा रख चुके हो। किसी महिला को, चार बच्चों की माँ को आप आपके मुल्क में इनलीगल घुसकर आ जाती है, तो भाई कौन सा इतना महान काम करके आ गई कि आप उसको सनातन धर्म अपना ले रहे हो? क्या यही कहता आपका सनातन धर्म कि कोई भी महिला इनलीगल आए, अपने देश के साथ गद्दारी करके आए, अपने पति के साथ गद्दारी करके आए, अपने चार बच्चों को एक मुद्दा बना के ले आए, अपने बच्चों का यूज करके ले आए, तो उस महिला को आप इज्जत के साथ साथ भारत में रहने की अपने मर्जी से परमिशन देते हो, विदाउट कानून, बिना किसी उसके आप अपनी मर्जी से उसको रहने की परमिशन देते हो, अपने देश में इनवाइट करते हो, उसे गिफ्ट देते हो, उसे तमाम प्यार देते हो, लेकिन उसके लिए जो आवाज उठाता, जो सच के लिए आवाज उठाता, उसको आप गालियां देते हो, उसे तमाम अपशब्दों से नवाजते हो, जो कि अपनी ही देश की बहन बेटियों को। आज शर्म करो, अगर हिंदुस्तानी हो ना, सच में जाग जाओ, वरना आप जैसों की मानसिकता की वजह से वो दिन दूर नहीं है फिर से हमारे भारत देश में कोई दिक्कत पैदा हो जाए। इसलिए बार बार यही चीज कहती हूँ, अगर आप खुद को हिंदुस्तानी कहते हो, सबसे पहले अपने देश की बहन बेटियों से गलत कहना बंद करो। आपको किसने अधिकार दिया भाई, आपको किसने अधिकार दिया? अगर हम अपने चैनलों के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं, तो आप अब मैं वो शब्द कहूंगी तो फिर यही चीज होता कि मैडम गलत बोल रही, तो आपको कैसी चुल मच जाती, आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि हम सच बोल रहे हैं, सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो आपको सच लग रहा है जो पूरी दुनिया देख रही है, जिसका तमाशा आज दो मुल्कों के साथ साथ तमाम मुल्क देख रहा है, वो आपको सती सावित्री लग रही है। कहते ना सती सावित्री जो अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए उस यमराज से लड़ गई थी, तो ये वो महिला है जो अपनी पति की कमाई हुई दौलत को इकट्ठा करके, उसे धोखा देके बेच कर, तमाम पाकिस्तान में अन्य लोगों को ठग कर, चूना लगाकर, अपने बच्चों को एक जरिया बनाकर यहाँ आके इलीगल बैठ गई। तो आप ऐसी महिला को कैसे सराखों बिठा सकते हो यार, केवल एक पाकिस्तानी है, इसलिए आप अपना ये भड़ास निकाल रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? इस महिला का अंदर खाने क्या चीज चल रहा है, क्या आपने कभी इस चीज पे गौर किया?
कल के दिन या कोई और चीज भी हो सकती, क्या आपने इस पर गौर किया? बिल्कुल नहीं ना, कि आप अपने उसमें कि इस महिला के मुजरे और ठुमके देखने में इतने व्यस्त हो, इतने एंटरटेन्ड कर रहे हो कि आपको दुनिया का कोई डर डर नहीं दिख रहा है, आपको अपने देश की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मैं उस हिंदुस्तान की सर जमीन पे खड़ी हूँ जहाँ हमारे पूर्वजों ने खून की नदियां बहाई है और हमारे मुल्क को आजाद किया है। हम अपने दादा बाबा से चीजें सुनती थी। मैं एक आर्मी परिवार से हूँ, हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, तो हम इस चीज के कतरे कतरे से वाकिफ हैं कि देश का जो मिट्टी होता है ना, उससे हमें कितना प्यार है, उसमें हमारे पूर्वजों ने अपने खून की नदियां बहाई है। आप जैसे बेशरम लोग जिनको दो कौड़ी का भी अकल नहीं है, वो केवल इसका मुजरा और ठुमका पर टिक कर रह गए, आपको अपने देश का बलिदान नजर नहीं आता? उन शहीदों का बलिदान कहां भूल गए आप, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या क्या नहीं खोया, बहुत कुछ खोया। उन माओं ने अपने बेटों को खोया, उन पत्नियों ने अपना सुहाग खोया, बच्चों ने अपने पिता का साया खोया। तो आप कैसे अंधभक्त हो भाई? इसके जो ये इनलीगल घुसाई है, ये हमारे देश के लोगों को आंख दिखाती है, हमारे देश के लोगों पे उंगली करती है, ठहाके मारती, तमाम चीजें सोशल मीडिया पे कर रही है। इसने सोशल मीडिया को एक ऐसा जरिया बना दिया कि तुम्हारे ही देश में बैठकर तुम्हारी ही बेइज्जती करूंगी और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे उन बहनों का जो आवाज उठा रही है, आप जैसे लोग उनकी जुबान को पकड़ के बैठे हो। आप कहते हो कि नहीं, आपको हम बोलने नहीं देंगे, आपको अधिकार नहीं बोलने का, है दम ना तो रोक के दिखाओ, एक नहीं दूसरे चैनल पर, दूसरे नहीं तीसरे चैनल पर। आप अपनी ही बहन बेटियों को जो सही होती है, सही रास्ते पे जाती है, उनको रोक देते हैं, उनका मुंह बंद कर देते हैं, उनके हाथ पैर बांध देते हैं, उनको रोक देते हैं। लेकिन आपकी बहन बेटियां ऐसी महिलाओं से प्रेरित होकर कुछ ऐसा गलत काम कर देती है, भाग जाती है, दूसरे धर्म में चली जाती है, आपको धोखा दे देती है, आपकी प्रॉपर्टी लेके गायब हो जाती है, तो आप उन्हें खोज भी नहीं पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो आप, क्योंकि ये समाज को एक बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। आज मैं देख रही थी एक वीडियो, कुछ समय पहले एक बेटी गायब हो गई थी, यही नैनीताल की बात है, नैनीताल जिस एरिया में मैं रहती हूँ उधर का ही एक न्यूज था, उसमें वो लड़की खो आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गई थी, बहुत महीनों तक या कुछ समय, टाइमिंग का मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितना है। उसका परिवार को लगा कि लड़की को बाघ ले गया, और बहुत अफवाह फैली भी थी, पूरा प्रशासन ने काम किया, खोजबीन हुई, जांच हुई, तमाम चीजें हुई, लड़की का पता नहीं चला। आज बहुत दिनों बाद पता चला कि लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, होटल के कमरे में पकड़ी गई है, और बहुत सारा अपडेट था क्योंकि मैं व्यस्त थी, मैं सही से देख नहीं पाई, पूरे सोशल मीडिया में बहुत सारा ट्रेंड कर रहा था, वो चीज मुझे नजर आई। तो ये हो गई लड़कियों की मानसिकता, उन्हें लगता है जब एक विदेशी महिला आके बैठ जाती है चार बच्चों को लेके अपने पति को धोखा देके, तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, हम तो कुंवारे हैं। वो लड़की गायब हो गई और परिवार को लगा कि लड़की को बाघ उठा ले गया, और फाइनली उसका सच अब पता चलता है, अब पुलिस द्वारा वो होटल के कमरे से पकड़ी गई। तो ये मानसिकता इस महिला के हमारे देश में आने के बाद हुई, इस महिला ने हमारे देश में पैर रखते ही वो तमाम चीजें करनी शुरू कर दी, इसने चैलेंज करना शुरू कर दिया हमारे ही देश के नागरिकों को, हमारे ही देश के भाई बहनों को। गुलाम हैदर भाई के साथ हम खड़े हैं, वो सीधा साधा इंसान अपने बच्चों के लिए रोता चिल्लाता गिड़गिड़ाता है, ये बंदी हर बार उसकी जुबान को रोक देती थी, हर बार उसे इस तरीके से जलाती थी ताकि वो भड़के, सोशल मीडिया पे गलत करे और ये उसको मुद्दा बनाए कि गुलाम हैदर मुझे मारता था पीटता था, इसलिए मैं यहाँ आ गई, मुझ पर तरस खाए, मुझ पर दया करें, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करे, वहां के लोग उसे, लोगों को लगता था वास्तव में गुलाम हैदर चप्पल उठाता है, मारता पीटता है, जो दिखाता है सोशल मीडिया पे ये वास्तव में होगा। फाइनली गुलाम हैदर भाई को समझ में आ गया, तो थैंक यू सो मच गुलाम हैदर भाई, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि सच की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कितना ही कोशिश कर लेना, कोई ना कोई कहते ना आ जाता है खुदा, भगवान के लिए अगर हम गलत नहीं करते हैं तो हमारा अल्लाह, हमारा खुदा, हमारे वाहेगुरु, हमारे यीशु मसीह, जो भी हमारे देवी देवता हैं, वो किसी न किसी रूप में आ जाते हैं, किसी न किसी को भेज देते हैं। तो आपके लिए मोबिन मलिक साहब को भेजा है और बहुत अच्छा वो यहाँ पे सब कुछ करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा, हमारे भारत देश की पूरी नागरिक आपके साथ है इंसानियत के नाते। यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम इस तरीके की मानसिकता फैला रहे, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी हाथ जोड़ के, ये हमारा भारत देश था, हमें बड़ा प्यारा है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे हमें आज़ादी देने के लिए बहुत सारे बलिदान किए हैं, उनकी उस बलिदान को, उनकी जो आज़ादी सरजमी पे, आज़ाद भारत पे हमने जन्म लिया, अपनी आँखें खोली, तो उनके बलिदान को हम ऐसे मजाक ना बनाएं, उनके बलिदान को हम समाज के बीच
पतित ना करें, उनके बलिदान का आत्मसम्मान करते हुए हम अपने भारत देश को ये गलत चीजों से रोकें, बचाएं। आज हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि आपके देश में गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाएं। अगर कोई गैर मुल्क की महिला आपके देश में गलत कर रही है तो सब एकजुट होकर उसका विरोध करें, लेकिन नहीं, अगर कोई बोल भी देता ना चोरी छुपे तो आप उसका मुँह दबा देते हो कि नहीं तुझे नहीं बोलना है, क्योंकि ये हमारा इंटरटेनमेंट करने आई भाई भारत में, ये इंजॉय कर रही है, भले ही उसका मकसद कल को कितना ही गलत हो। मैं एक आर्मी परिवार से हूँ, एक पुलिस परिवार से हूँ, एक सोशल वर्कर हूँ, और राजनीतिक क्षेत्र मैंने तब छोड़ दिया था जब मुझे लगा नहीं ये मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसी महिला हूँ कि मैं गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब मैंने सामाजिक फील्ड चुना क्योंकि मुझे पता चला दर्द क्या होता, तकलीफ क्या होता, लोगों के बीच में जाती थी, उनकी तकलीफ को देखती थी, कोई खाने के लिए भूखा था, कोई किसी चीज़ का मोहताज था, किसी बच्चे को फीस नहीं मिल रही, तो वो चीज़ें महसूस की हैं, देखी है जमीन में जाकर लोगों को। जब मेरे घर में फंक्शंस होते हैं, बच्चों का कोई चीज़ होता, मुझे लगता था नहीं मैं तो अपने बच्चों का सेलिब्रेशन कर लूँगी, फंक्शन मना लूँगी, लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें आज भी ये चीज़ें नसीब नहीं होती। उस दिन मैं खीर बनाती, अपने घर में गाड़ी में भरती, या वैसे वहाँ पे धर्मशाला था वहाँ बांट कर आती थी, उनके चेहरे पे जो स्माइल होती थी ना, तो मुझे लगता था मैंने भगवान को भोग लगा दिया। हम मंदिरों में दान करते हैं, और इसका मतलब ये नहीं मैं मंदिरों में दान करने से आपको मना कर रही हूँ, मंदिरों में दान करते हैं, भगवान को चढ़ता, पंडित जी उसका यूज करते, मिसयूज करते हैं तो वही जानते, क्योंकि हमारे भगवान जी नहीं कहते भाई सब कुछ हमें दो। तो अभी देखा ना है सोशल मीडिया पे जो पंडित जी थे उन्होंने कितने 20,000 में बिक गए और शादी कर दी इनलीगल, तो इस तरीके के पंडितों के पास जाता। इससे अच्छा मैं कहती हूँ आप भगवान को चढ़ाइए, अपनी श्रद्धा आपकी अपनी है, लेकिन अगर आपके पास इतना है आप भगवान को चढ़ाते हैं तो उन लोगों को जिनको जिस चीज़ की कमी महसूस होती है, जिनके पास खाने को नहीं होता, जिनके पास फीस नहीं होता, जिनको किसी चीज़ की कमी होती है और वो टैलेंटेड है, कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में, तो उनको सपोर्ट जरूर करें, उनको खुशियां जरूर दें। यकीन माने मेरा, मैंने महसूस किया है अगर आप ये चीज़ें करेंगे ना, कसम से आपको अंदर से वो खुशी होगी, आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़े भगवान को आज पूजा है, बहुत बड़े भगवान को आपने अपने करीब देखा, नज़दीक से देखा, आपको फीलिंग होगी, वो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी जो मुझे रोज मिलती है। लोग मुझे कहते हैं दीदी आप इतनी धैर्यवान कैसे हो, आप इतनी संयमशीलता कैसे रखती हो, आप इतनी मतलब अपनी बात स्पष्टता से कैसे कह देती हो, आपको डर नहीं लगता? तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, डरो तो उस ऊपर वाले से। अगर आप गलत करते हो, आप अपने मन से कुछ गलत करते हो ना, आपको लगता है आज गलत किया है, तो आप ये बात जरूर महसूस करोगे कि उस ऊपर वाले ने आपके लिए क्या सोचा है। तो मैं यही सीमा हैदर से भी कहती हूँ, इतना मत गिरो भाई, तुम्हें अपने अल्लाह को जवाब देना भारी पड़ जाए। उन 4 मासूम बच्चों की जिंदगी जो तुमने ताक पर रखी है, उन बच्चों की तरफ देखो, उनका मुंह देखो, कल के तुम भारत देश में तुम्हें कुछ हो जाता है तो उन बच्चों का जिम्मेदार कौन रहेगा? हालांकि मैं जानती हूँ तब तक बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे, अपने पिता के पास चले जाएंगे। मुझे फख्र है कि मेरे देश के नागरिक आज उस पिता के साथ हैं जो एक असहाय मजबूर है, भले ही पाकिस्तानी है तो एक इंसान ना। इसलिए हम जमीन से जुड़े लोग हैं, हम दर्द से जुड़े लोग हैं और उन तकलीफों को महसूस करने वाले हैं, ना कि इन ठुमकों से अपना इंजॉय करने वाले हैं जो लोग आकर हमें रोकते हैं। तो दोस्तों बहुत तकलीफ होता है, आज अपने दिल की बात आपसे शेयर करी और सुकून भी मिला। जब भी मेरे जीवन में ऐसा कुछ पल आता, मुझे लगता है कि ये खुशियाँ अगर मैं अकेले सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो थोड़ी थोड़ी खुशियाँ अगर पब्लिक के बीच में दूँ, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ हम उन लोगों को दें जिन्हें ज़रूरत है। अगर हम किसी अमीर व्यक्ति को कितना ही दे दें उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी गरीब को थोड़ा सा भी देते ना, उसके दिल से बड़ी अच्छी दुआएं निकलती, वो कहीं ना कहीं हमारे आके दिल में, हमारे अपने परिवार में लगती, हमारे खुद के ऊपर लगती। इसलिए कभी किसी की बददुआएं ना लें, किसी के आंसू ना लें। और सीमा हैदर का तो क्या ही कहूँ, इस औरत ने तो पता नहीं देश के कितने लोगों की बद्दुआ ले ली। गुलाम हैदर जो बेचारा, इसके वजह से पहली पत्नी को भी छोड़ा है, पहला घर भी इसने बर्बाद करा, दूसरा एक खुद उसका घर उजाड़ा है, उसकी प्रॉपर्टी बेच आई। अब क्या ही कहूँ इस औरत की बात, भगवान ऐसी औरत किसी को देना दुनिया में। तो दोस्तों यही अपनी बात कहनी थी आपसे, तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाएं। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके जीवन की कोई ऐसी प्रेरणा भरी कहानी है जिसे आप रखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से रखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच,
एक प्रेरणा बने, एक सच की मिसाल बने, गलत चीज़ों से दूर रहते। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।